नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा और विशेष कार्यक्रम के साथ मैं हूं दीप कमल सहारण। आज 31 मार्च है। आज ही के दिन 8 साल पहले हरियाणा ने अपने दो होनहार और अनुभवी राजनेताओं को खो दिया था। ओम प्रकाश जिंदल और सुरेंद्र सिंह दोनों साल 2005 में चंद दिनों पहले ही बने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। दोनों ने अपने अपने महकमों में काम करना शुरू ही किया था कि एक अनहोनी हो गई। ओम प्रकाश जिंदल और सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर A1 तहलका पर हम उनसे जुड़ी कुछ बातें याद करेंगे, कुछ पुरानी तस्वीरों के जरिए इन दोनों नेताओं से जुड़ी पुरानी यादें ताजा करेंगे। पहले बात करते हैं स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल की। किसी कारोबार को कामयाब बनाने के लिए उस काम से जुड़ी हर बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है। बहुत से कामयाब उद्योगपति अपने कारोबार के क्षेत्र में ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के बनाए नियमों पर नहीं चलते बल्कि अपनी समझ से खुद के लिए नया रास्ता बनाते हैं। ऐसे ही एक उद्योगपति थे स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल। हरियाणा ने भारत को बेशकीमती नगीने दिए हैं, हर क्षेत्र में चमकने वाले हीरे पैदा किए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही इंसान ओम प्रकाश जिंदल की, जिन्हें स्टील मैन ओपी जिंदल के नाम से जाना जाता है। हिसार के नलवा गांव में एक किसान नेत्राम जिंदल के घर 7 अगस्त 1930 को एक लाल ने जन्म लिया, जो आगे चलकर भारत की स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बना। इस लाल का नाम था ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को बचपन से ही तकनीकी कामों में रुचि थी। इसी रुचि के चलते ओम प्रकाश ने सिर्फ 22 साल की उम्र में बाल्टी बनाने का छोटा सा कारखाना शुरू किया। एक बार ओपी जिंदल ने देखा कि पाइप के ऊपर किसी और देश का नाम अंकित था। इस बात से उन्हें बहुत दुख पहुंचा कि भारत एक मामूली पाइप भी बाहर से आयात करता है। ओपी जिंदल चाहते थे कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसी चाहत की वजह से उन्होंने सन 1964 में जिंदल इंडिया लिमिटेड के नाम से एक पाइप यूनिट शुरू की और 1969 में जिंदल स्ट्रिप्स लिमिटेड के नाम से एक बड़ी फैक्ट्री शुरू की। तकनीकी पक्ष को और मजबूत बनाने के लिए ओपी जिंदल पूरी दुनिया घूमे और हर नई तकनीक को समझकर अपने देश आकर उसे लागू भी किया। क्वालिफाइड इंजीनियर से ज्यादा वो हाथ से काम करने वाले मिस्त्री पर भरोसा करते थे। मैं ऐसा जी, मिस्त्री जो है ना, कारीगर जो प्रैक्टिकल कारीगर है, मैं उसकी राय ज़्यादा मानता हूँ, इंजीनियर की कम मानता हूँ। जिसने हाथ से काम किया है 10 साल 5 साल तो उनको बिठा लेता हूँ मैं। ओपी जिंदल सिर्फ व्यापार के प्रति ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते थे। उनका मानना था कि कमजोर और पिछड़े लोगों को बेहतर जिंदगी देने से ही सही मायने में पूरा देश तरक्की कर सकता है। वो मानते थे कि काबिलियत किसी धर्म, जाति या रंग की मोहताज नहीं। जिस इंसान में कोई भी हुनर है उसे हुनर दिखाने का मौका मिलना ही चाहिए। ओपी जिंदल ने अपने कारखाने भी दूर के इलाकों में शुरू किए ताकि वहां आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके, उन्हें रोजगार दिया जा सके, उनकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। इस तरह की सामाजिक सोच की वजह से ओपी जिंदल आसपास के इलाके में बहुत चहेते थे। सन 1991 में जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो बड़ी आसानी से चुनाव जीत गए। वो 3 बार हरियाणा विधानसभा के मेंबर चुने गए।
सन 1996 में कुरुक्षेत्र से 11वीं लोकसभा के लिए एमपी चुने गए। ओपी जिंदल ने हरियाणा सरकार के लिए मिनिस्टर ऑफ पावर के पद पर भी सेवा की। इंडियन स्टील इंडस्ट्री को उनके बेमिसाल योगदान के लिए नवंबर 2004 में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से ओपी जिंदल को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ओपी जिंदल के बारे में कहा जाता है, वेयर अदर्स सॉ वॉल्स ही सॉ डोर्स, यानी जहां दूसरों को दीवार नजर आती है उन्हें दरवाजा नजर आता है। 31 मार्च 2005 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हरियाणा का ये हीरा भगवान को प्यारा हो गया। एवन तहलका हरियाणा स्टीलमैन ओपी जिंदल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो 7 अगस्त 1930 को जन्मे ओम प्रकाश जिंदल ने आज के दिन 8 साल पहले 31 मार्च 2005 को आखिरी सांस ली। एक दुखद हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था और उसके बाद से हर साल ओम प्रकाश जिंदल के चहेते लोग उन्हें इस दिन याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। एक सफल उद्योगपति, एक सफल राजनेता और समाज सेवी के रूप में याद किए जाते हैं ओम प्रकाश जिंदल। और 3 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे। तो ओम प्रकाश जिंदल की शुरुआती पहचान एक सफल कारोबारी के रूप में थी। उनका खड़ा किया हुआ जिंदल इंडस्ट्रीज का कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। यह ओम प्रकाश जिंदल की ही सोच थी जिसके सहारे जिंदल समूह एक के बाद एक नई कंपनियां शुरू करता गया और इस ग्रुप ने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा वहीं कामयाबी हासिल की। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल इस बात को बखूबी जानते और मानते थे कि कोई भी बिजनेस लोगों के बगैर नहीं चल सकता। कोई उद्योगपति चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा हासिल कर ले, लेकिन अगर वो इंसानों की भावनाओं की कद्र नहीं करेगा तो उसकी सारी पढ़ाई बेकार है। यही कारण है कि ओम प्रकाश जिंदल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिंदल इंडस्ट्रीज को कुछ इस तरीके से चलाते थे कि उनकी कंपनियों को कभी भी लेबर प्रॉब्लम्स यानी मजदूरों की वजह से किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। खुद ओम प्रकाश जिंदल की कहानी भी तो फर्श से अर्श तक पहुंचने की अविश्वसनीय कहानी लगती है। एक गांव में एक किसान के घर जन्म लेकर साधारण शिक्षा हासिल कर इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बनने की कहानी। आज जिंदल ऑर्गेनाइजेशन के तहत 20 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। इतना लंबा फासला तय करने के लिए असाधारण सोच और रफ्तार की जरूरत होती है। ओम प्रकाश जिंदल जब छोटे थे तो उनकी मां कहती थी कि ओम प्रकाश के पैर नहीं पहिए लगे हैं। सच तो यह है कि ओम प्रकाश जिंदल के पैर वाकई पहियों की तरह दौड़ते थे, अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों की तरक्की देखने के लिए, अपने भारत को आत्मनिर्भर देखने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका। तो एक सफल कारोबारी बनने के पीछे एक बड़ी वजह ओम प्रकाश जिंदल के लिए यह भी थी कि वो अपने देश को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। हमारे साथ फोनलाइन पर ओम प्रकाश जिंदल के सुपुत्र और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद नवीन जिंदल जी जुड़ रहे हैं। नवीन जिंदल जी, एवन तहलका हरियाणा पर आपका बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पिता श्री ओम प्रकाश जिंदल जी को एक सफल कारोबारी, एक सफल राजनेता और एक समाज सेवी के रूप में याद किया जाता है। पहले कारोबार की अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन सी ऐसी सोच के साथ जिंदल साहब ने बिजनेस शुरू किए थे कि उनकी नींव इतनी मजबूत पड़ी है कि अब हर क्षेत्र में जिंदल इंडस्ट्रीज नए बुलंदियां हासिल कर रही है? देखिए, पहले तो जिंदल साहब को जो है ये बहुत जरूरी था कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बने। जब वो देखते थे कि पाइपों के ऊपर लिखा था मेड इन इंग्लैंड,
जी, उनको लगता था कि क्यों हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं हम ये पाइप्स बना सकते। और उसके अलावा जो है बिजनेस, उन्होंने और उनके अपने भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने जो है पहले कलकत्ता में कुछ ट्रेडिंग का काम किया, फिर बाल्टियां बनाने का काम किया, फिर उसके बाद पाइप बनाने का काम किया। तो हर जगह उन्होंने मेहनत से और ईमानदारी से उन्होंने काम किया, सब कर्मचारियों को सबको साथ में लेकर के काम किया। तो और मैं समझता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद था और उनको उसमें कामयाबी मिली। जी जिंदल साहब, अभी हम एक रिपोर्ट में भी ये देख रहे थे कि जिंदल इंडस्ट्रीज को कभी भी जो लेबर प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्राइक्स जो होती हैं यूनियंस की तरफ से, उस तरीके की दिक्कतों का सामना किसी भी कंपनी को आपकी नहीं पड़ा। इसके पीछे क्या वजह थी? ओम प्रकाश जिंदल जी अपने कर्मचारियों के साथ, श्रमिकों के साथ किस तरीके का व्यवहार रखते थे जिसकी बदौलत सभी मन लगाकर आपकी कंपनियों में काम करते हैं? देखिए, पहले तो वो एक ओपन डोर पॉलिसी रखते थे जी। मतलब ओपन डोर मतलब कि वो एक्चुअल में गर्मियों में भी अपना दरवाजा जो है खुला रखते थे और कोई भी आसपास आता जाता मिल जाता तो उसको बुला कर ही पूछ लेते, हाँ भाई बताओ क्या बात है। तो इसलिए लोग, उनको कोई भी तकलीफ होती थी किसी भी हमारे कर्मचारी को, किसी भी वर्कर को, तो आराम से वो उनसे जो है बातचीत कर सकता था। दूसरा, बचपन से ही जो है, जैसे मैं भी, मुझे भी जब बचपन में था तो गोदी में उठा करके मुझे लोग ले आते थे राखी बंधवाने के लिए। तो वर्कर्स के साथ एक हमेशा एक बहुत अच्छा एक हमारे जो है रिश्ते रहे, कोई भी समस्या होने से हम उनके लिए हमेशा थे। तो इसलिए कभी इस तरह की थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, ऐसा नहीं कि कभी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन बहुत कम इस तरह की तकलीफ हुई। और आज भी जो है बाबूजी के आशीर्वाद से सभी जगह जो है हमारे सभी वर्कर्स के साथ, वर्कर्स के अंदर, सबके अंदर एक अपनेपन की भावना से वो काम करते हैं। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके मन में एक ही भावना आए कि कंपनी जो है उस कंपनी के अंदर उनकी हिस्सेदारी है, कंपनी उनकी खुद की कंपनी है और वो अपना समझ करके अपना काम करें। जी नवीन जिंदल जी, एक सफल कारोबारी के अलावा ओम प्रकाश जिंदल जी की छवि एक समाजसेवी के रूप में भी बहुत ज्यादा जानी जाती है। ऐसे कौन से सामाजिक काम उन्होंने अपने वक्त में किए जो अब आप ओपी जिंदल ट्रस्ट या दूसरी संस्थाओं के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, बाबूजी की हमेशा रुचि थी कि एक तो शिक्षा, कि सबसे अगर हम बड़ा काम किसी के लिए कर सकते हैं तो उसको हम अच्छी शिक्षा दें, और खास करके बेटियों की शिक्षा। वो मानते थे कि अगर हम, जब एक बेटी जब पढ़ती है तो उसे दो दो परिवार उससे शिक्षित होते हैं। तो उनका शिक्षा की ओर, और फिर जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, मतलब जो मजदूर थे, उनको जो है उनको भी अच्छी ट्रेनिंग मिले कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उनकी जो है उनको ज़्यादा फिर पैसे मिलें, उसके ऊपर बाबूजी बहुत ध्यान देते थे। उसके अलावा शिक्षा के अलावा चिकित्सा में, कि अच्छे चिकित्सा के साधन हो, तो इसलिए जहाँ जहाँ पर हमारी फैक्ट्रियाँ लगाई बाबूजी ने, फैक्ट्री के साथ साथ उन्होंने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, और सभी स्कूल में बाकी बच्चे भी पढ़ सकते थे और अस्पताल में भी सभी लोग उसमें आ सकते थे। उसका जीता जागता उदाहरण हिसार के अंदर है, रायगढ़ के अंदर है, विजयनगर के अंदर है। तो सभी जगह मुख्य करके शिक्षा के ऊपर और चिकित्सा के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान था। नवीन जिंदल जी, इसके अलावा राजनीति में आने की क्या वजह रही? ओम प्रकाश जिंदल जी ने क्यों ऐसा सोचा कि अब राजनीति में आकर कुछ और अच्छा काम किया जाए? उनका मकसद क्या था राजनीति में आने के पीछे? वो हमेशा यही बोलते थे कि लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा ने उन्हें इतना कुछ दिया, तो वो लोगों की और सेवा करना चाहते थे। और वो ये मानते थे कि गरीबों को उनका हक नहीं मिलता, तो वो सोचते थे कि बहुत से लोग जो राजनीति में आते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, उन्होंने राजनीति का एक व्यापारीकरण कर रखा है। तो वो चाहते थे कि वो दिखाएं कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति राजनीति के अंदर सेवा के भाव से आता है तो क्या कर सकता है। तो ये एक उनका एक प्रयास था कि भी मैं लोगों से जुड़ूं, मैं धरती से जुड़कर, क्योंकि अगर जब मैं लोगों के घर जाऊंगा, उनके गांव जाऊंगा, उनकी चौपाल में जाऊंगा, तो वो लोग भी मेरे घर आने की हिम्मत करेंगे। वरना वो बोलते थे कि मुझे भी बड़े बड़े लोगों के घर जाने में मुझे डर लगता है। तो इसलिए जो है वो एक धरती से जुड़ने का, वो बोलते थे कि ये चुनाव जो है ये तो एक बहाना है, राजनीति एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। तो एक उनका एक प्रयास था, और हमने भी जो है परिवार में कोशिश की है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोगों की सेवा कर सकें। जी बिल्कुल नवीन जिंदल जी, ओम प्रकाश जिंदल जी का राजनीति का तरीका भी बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था। आमतौर पर जहां अपने विधायक या सांसदों से
लोग या पार्टी के कार्यकर्ता छोटे छोटे काम जो एक सरकारी स्तर पर होते हैं वो चाहते हैं, चाहे वो छोटी मोटी ट्रांसफर तबादलों के हों, नौकरियों सरकारी नौकरियों में चाहते हों, सरकारी ठेके चाहते हों या दूसरे तरीके हों। ओम प्रकाश जिंदल जी का तरीका बिल्कुल अलग था और आपका भी तरीका, आप कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में काम करते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो आम राजनीति का जो चलन है उससे हटकर आपने ओम प्रकाश जिंदल जी से सीखे हैं और वाकई वो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं वहाँ पर? देखिए मुख्यतः तो कि भी अपना काम जो है ईमानदारी से करें हम जी। और लोगों को पूरी हम इज्जत दें, कोई भी घर में व्यक्ति आए, कोई भी मेहमान आए, उनकी जो है उनका पूरा उनकी देखरेख ठीक से करें। और उसके अलावा जो है जैसे कहा कि शिक्षा की तरफ, चिकित्सा की तरफ तो कोशिश की है, और खास करके जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं, पिछड़े वर्ग के जो भाई बहन हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, महिलाएं हैं, तो कोशिश है कि जितना संभव हो सके इन सब के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़्यादा काम करें, क्योंकि बाबूजी हमेशा ये कहते थे कि ज़रूरतमंद की सेवा सही मायने में ईश्वर की पूजा है। तो प्रयास तो यही है कि ज़्यादा ज़्यादा करें और इसमें सफलता भी मिलती है और लोगों का बहुत आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे और प्रेरणा मिलती है कि और ज़्यादा हम लोगों के लिए काम करें। जी नवीन जिंदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवन तहलका हरियाणा से जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल और स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल के सुपुत्र हमारे साथ जुड़े थे और याद कर रहे थे अपने पिता श्री ओम प्रकाश जिंदल की सिखाई हुई बातें कि किस तरीके से वो कारोबार चलाते थे, किस वजह से वो राजनीति में आए, समाज सेवा को क्यों जरूरी समझते थे और कौन सी बातें नवीन जिंदल ने अपने पिता से सीखी हैं। तो ओम प्रकाश जिंदल को हम श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं और कहते हैं कि होनहार बीरबान के हो चिकने पात, ये कहावत ओम प्रकाश जिंदल पर तो एकदम सटीक बैठती है। बचपन से ही ओपी जिंदल की मशीनों में दिलचस्पी थी और वे हर मशीन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते थे। ओम प्रकाश जिंदल को अगर कोई खराब मशीन मिल जाती तो वो उसकी गड़बड़ी की जड़ तक जाते थे और उसे ठीक करके ही दम लेते थे। ओम प्रकाश जिंदल सिर्फ बिजनेस का ही ध्यान नहीं रखते थे बल्कि उनका तकनीक और मशीनों में भी खास लगाव था। ओम प्रकाश जिंदल ने जब अपना पहला प्लांट लगाया तो उस प्लांट की लगभग सारी मशीनरी खुद डिजाइन की। वो देर रात तक काम करते थे। ज्यादा से ज्यादा तकनीकी जानकारी हासिल करने के लिए जब वे विदेश का दौरा करते तो वहां के इंजीनियर्स से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि वो हैरान रह जाते। अक्सर लोग ओम प्रकाश जिंदल से सवाल करते कि आप इतना कैसे जानते हैं, आपके मन में ये सवाल कैसे आया। स्टीलमैन के नाम से जाने जाने वाले ओम प्रकाश जिंदल मिट्टी से जुड़े हुए किसान भी हमेशा बने रहे। कमजोर और पिछड़े लोगों को साथ लेकर चलना, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में सोचना, उनकी तकलीफें सुनना, उनकी खुशियों में शामिल होना ओम प्रकाश जिंदल की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह रही। ब्यूरो रिपोर्ट एवन तहलका हरियाणा। एक बड़ा और बेहद कामयाब बिजनेसमैन कोई यूं ही नहीं बन जाता। ओम प्रकाश जिंदल की सोच कारोबार से कहीं आगे की थी। देशभर में जहां जहां उन्होंने कारखाने लगवाए हर जगह उद्योग स्थापित करने के साथ साथ सामाजिक काम भी किए। खासतौर पर अपने कर्मचारियों के लिए मकान, स्कूल और अस्पताल बनवाने से ओम प्रकाश जिंदल कभी भी पीछे नहीं हटे। ओम प्रकाश जिंदल ने जिंदल इंडस्ट्रीज के तहत जहां जहां भी कारखाने लगाए वहां आसपास और भी जमीन खरीदी। इस जगह पर वो कंपनी के कर्मचारियों के लिए मकान, उनके बच्चों के लिए स्कूल और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं दिलवाने के लिए अस्पताल बनवाते थे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। हिसार में उन्होंने एनसी जिंदल ट्रस्ट के तहत 500 बिस्तर वाला अस्पताल शुरू करवाया जहां हजारों गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। अपने बचपन में ही ओम प्रकाश जिंदल ने महसूस कर लिया था कि हरियाणा के गांवों में शिक्षा का स्तर बहुत साधारण है। यही वजह रही कि समय आते ही उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए स्कूल बनवाने शुरू किए। लड़कियों की शिक्षा पर उन्होंने खास ध्यान दिया।
उनका मानना था कि जब लड़की पढ़ती है तो उसकी शिक्षा दो परिवार संवारती है। एक लड़की पढ़ती है तो दो घर बसते हैं, लड़का पढ़ता है तो एक घर बसता है। इसी ख्याल के चलते उन्होंने हिसार में विद्या देवी जिंदल स्कूल बनवाया, जिसमें लड़कियां 12वीं तक अच्छी शिक्षा हासिल कर सकती हैं। विद्या देवी जिंदल स्कूल में लड़कियों के रहने और खाने की व्यवस्था वाला हॉस्टल भी है। ओपी जिंदल अनेकों धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल अग्रोहा का चेयरमैन का पद भी उन्हें सौंपा गया। आम आदमी उन तक आसानी से पहुंच सकता था, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। ओम प्रकाश जिंदल महसूस करते थे कि भ्रष्टाचार देश की बड़ी समस्या है और ये छोटे से लेकर बड़े हर स्तर तक अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं। राजनीति से बाहर रहकर इस भ्रष्टाचार को खत्म करना मुमकिन नहीं था, इसलिए एक सफल उद्योगपति बनने के बाद ओम प्रकाश जिंदल ने राजनीति में आने का फैसला लिया। दुनिया भर में बिजनेस में परचम फहराने वाले ओपी जिंदल ने राजनीति में भी झंडे गाड़े। सन 1991 में जब ओम प्रकाश जिंदल ने राजनीति में कदम रखा तो जनता के बेइंतहा प्यार और विश्वास के चलते वो आसानी से चुनाव जीत गए। ओपी जिंदल के विरोधी व्यापारियों और राजनेताओं ने कहा कि ओम प्रकाश जिंदल राजनीति में आकर जो भी करेंगे अपने जाति फायदे के लिए करेंगे, लेकिन ओपी जिंदल ने जन सेवा करके सबको गलत साबित कर दिया। यही वजह रही कि वो लगातार 3 बार MLA चुने गए। सन 1996 में ओम प्रकाश जिंदल 11वीं लोकसभा के लिए कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। सन 2000 में जब ओम प्रकाश जिंदल हिसार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। 27 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने हिसार की सीट जीती थी और वजह थी ओम प्रकाश जिंदल का जनता से अपनापन। साल 2005 में जब हरियाणा सरकार के लिए उन्होंने मिनिस्टर ऑफ पावर के पद पर सेवा करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि वो हरियाणा में बिजली पानी की तरह बहा देंगे, हर गांव में हर घर में 2400 घंटे बिजली होगी। लेकिन अपने इस सपने पर काम करते करते ही वो भगवान को प्यारे हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। तो ये थी ओम प्रकाश जिंदल की कहानी। जिंदल का जीवन वाकई संघर्ष और उससे मिली कामयाबी की एक मिसाल है। इस विशेष कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे माटी के एक और लाल की, याद करेंगे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह को।